आपके भीतर के इंसान को दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है वो आम इंसान नहीं है, कुछ अलग है। इसलिए दोस्त, उस सेलिब्रेशन में हजारों की भीड़ हो, उस सेलिब्रेशन में जब आपका सेलिब्रेशन हो, जब आपको वाइटल की लीडरशिप की, रॉयल्टी की, टेक्निकल की जब ट्रॉफी दी जाए, मैं चाहता हूं दोस्त वो कुछ अलग नजारा हो। क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? इस हाल में हर महीने में 5-4 अकेडमी होती है, इससे ज्यादा भी लोग आते हैं। यहां से लोग टारगेट लेके जाते हैं लेकिन बाहर जाके भूल जाते हैं। आज या तो टारगेट लेना नहीं, अगर लेना है तो जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। कुछ बड़ा करना चाहते हैं? कुछ बड़ा करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं दोस्त कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो। मैं आपके भीतर के इंसान को जानता हूं कि आप जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो लोग मजाक करते हैं, लोग रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं, आपके परिवार के लोग भी टांग खींचते हैं, आपको छुप छुप के कई बार रोना पड़ता है, बहुत सी परिस्थितियां विपरीत होती है, फिर भी आपको चलना पड़ता है। मैं जानता हूं दोस्त आपके सीट पे जो इंसान बैठा है वो हजारों बार गिरा है, हजारों बार फेल हुआ है, लेकिन ये सेलिब्रेशन आपको दुनिया के सामने साबित करने का मौका देगा आपके भीतर क्या है। ये सेलिब्रेशन बताएगा दुनिया को कि आप परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने भी बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो। इस प्रकार का सेलिब्रेशन करना चाहते हो? दोस्त, हम ये सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में कर सकते हैं। ये सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में एक जगह हो सकता है और भीलवाड़ा में 2-4-5-10-20 हजार लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन दोस्त सेलिब्रेशन का मजा तभी है जब उस सेलिब्रेशन में आपके परिवार के लोग बैठे हो, वो लोग उस सेलिब्रेशन में बैठे हो जो आपकी कामयाबी में सहयोग करते हैं, और वो लोग भी उस सेलिब्रेशन में बैठे हो जो आपकी टांग खींचते हैं, जो पल पल पर आपको धिक्कारते हैं, जो पल पल आपकी ताकत को कमजोर करते हैं। मैं चाहता हूं दोस्त आपके भीतर का जो इंसान है, आपके लोकल में ऐसा सेलिब्रेशन हो कि दुनिया को पता चले कि आप क्या हो, आप दुनिया से अलग हो, कुछ अलग करना चाहते हो, आपकी सोच चिंतन कुछ अलग है। मैं जानता हूं दोस्त जब आप कोट पैंट पहन के निकलते हो लोग मजाक करते हैं, लोग रोकते हैं, टोकते हैं, आप लोगों को बोलते हो रॉयल्टी आएगी, टेक्निक आएगा, लोग आपकी उस मजाक करते हैं, लोग टांग खींचते हैं। मैं चाहता हूं आपके भीतर के इंसान को दुनिया देखे। क्या इस प्रकार का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं दोस्त मार्च में कुछ बड़ा करो, मार्च में कोई पिन हासिल करो, वाइटल लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल, जो भी, लेकिन दोस्त मैं चाहता हूं जब आपकी उस पिन का सेलिब्रेशन हो, आपके लोकल एरिया के, आपके लोकल एरिया के जो आपको धिक्कारते हैं या जो आपको साथ देते हैं, हजारों लोग आपके सामने हो, और जब उस सेलिब्रेशन में आपको स्टेज पे बुलाया जाए, आपको सेलिब्रेशन में बुलाया जाए, तो दोस्त उनकी आंखें थमनी चाहिए। उस सेलिब्रेशन में आपकी हिस्ट्री को बताया जाए कि आप क्या हो, क्या करना चाहते हो। मैं चाहता हूं दोस्त जब आपको वो सेलिब्रेशन में ट्रॉफी मिले, मैं चाहता हूं हवाएं भी रुक के आपका सेलिब्रेशन देखे। सम्मानित किया जाए तो आपको मुंह से कुछ बोलना नहीं पड़े, जो जिंदगी में आप करना चाहते हो वो आप आंखों के रास्ते से बोलो। मैं चाहता हूं आपके भीतर के इंसान को दुनिया के सामने रखना कि आप तैयार हो। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? ऐसे बस आज से उनके 2 करोड़ लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके भीतर का इंसान क्या है। होना चाहिए ऐसा सेलिब्रेशन? कितने लोग चाहते हैं होना चाहिए? क्या मेरी बात से सहमत है क्या? दोस्त मैं जानता हूं आप भीड़ में दिन रात मरते हो, आपके भी बच्चे भी साथ नहीं देते, आपके परिवार के लोग भी साथ नहीं देते। उस सेलिब्रेशन में आपके सपने बताए जाए और आपका परिवार का हिस्सा, आपके परिवार के लोग देखे कि यार ये क्या करना चाहता है। आप चाहते हो क्या? चाहते हो क्या?
जो लोग आपके समाज में, परिवार में जो जिल्लत की नजरों से आपको देखते हैं, उनको झटका लगे कि ये कुछ अलग चीज है। चाहते हो ऐसा सेलिब्रेशन? Yes! मुझे नहीं पता दोस्त, उस सेलिब्रेशन में 1,000 हो या 2,000 हो, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं मेरे एरिया को जानता हूं। अगर वो सेलिब्रेशन श्री गंगान में हो, मिनिमम से मिनिमम 5,000 लोग तो उस सेलिब्रेशन में होने चाहिए दोस्त। Yes! आज के तारीख में कंपनी के बड़े से बड़ा फंक्शन जो भी होता है, हिंदुस्तान के सारे लीडर मिलके जो एक सेलिब्रेशन करते हैं, हिंदुस्तान के आरसीएम के सारे लीडर मिलके जो एक कॉमन सेलिब्रेशन करते हैं, हम चाहते हैं उससे बड़ा सेलिब्रेशन आपके सीट में बैठा हुआ इंसान इकलौता करके दिखाए। Yes! और आप ऐसा कर सकते हो। Yes! आपके भीतर ताकत है, मुझे 100% भरोसा है कि आपके भीतर का इंसान अगर जग जाए तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। Yes! क्या आप इस प्रकार के सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो क्या? Yes! पक्का तैयार हो? Yes! टारगेट कैसे होगा हम कल बताएंगे, लेकिन हम सेलिब्रेशन अलग प्रकार से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपकी घरवाली के नजरों में आपकी इज्जत बढ़े, हम चाहते हैं आपके माँ बाप की नजरों में आपकी इज्जत बढ़े, हम चाहते हैं आपके समाज के नजरों में आपकी इज्जत बढ़े। चाहते हैं क्या? उसके लिए दोस्त कुछ अलग प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या आप इस प्रकार के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है क्या? सारे लोग तैयार है? ओके, दूसरा टारगेट दिया कि गोवा टूर, यस या नो? वैसे तो दोस्त आपकी पॉकेट में पैसे हैं, 20-30-50 हजार खर्च करके आप गोवा जा सकते हो, लेकिन दोस्त मुझे आरसीएम के माध्यम से स्विट्जरलैंड तक घूमने का मौका मिला, और स्विट्जरलैंड एक आदमी जाए तो शायद 1,00,000-2,00,000 खर्चा आता है, मुझे कंपनी की तरफ से जाने का मौका मिला। मैं चाहता हूं उससे ज्यादा मजा आपको गोवा में आए। Yes! क्या आप चाहते हैं? मैंने कुछ ऐसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को ऐसे टूर करते हुए देखा है जो टूर पे निकल जाते हैं घूमने के लिए, टूर बनाते हैं 5 दिन का, लड़ झगड़ के 3 दिन में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले बोर हो जाते हैं। दोस्त घूमने के लिए दिल जवान चाहिए, यस या नो? Yes! माहौल चाहिए। जिस अरविंद साखी की बात कर रहे थे साहब अभी, अरविंद साखी देश विदेश घूमे हैं, लेकिन दोस्त उन देश विदेश के टूर में जयनारायण साथ नहीं था। हेलो, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं कार्टून हूं। हेलो, अरविंद जी की वाइफ पूछ लेना, जाते टाइम बोल के गई है कि इतना मजा मैं कहीं नहीं आया। हमने कहा बहन उन टूर में हम साथ थोड़े ही थे। यस या नो? यस या नो? दोस्त घूमने का मतलब क्या होता है? आपकी शादी को 5-10-20 साल हो गए, इस भाग दौड़ की जिंदगी में पैसे की कमी, टाइम की कमी, परिवार और सारी चीजें। शादी से पहले चाहते थे, शादी से पहले गाने चलते थे, मौसम बेईमान आने वाला तूफान, यस या नो? अब कुछ और ही चलते हैं। हम चाहते हैं दोस्त जो आपके शादी से पहले सपने थे, जो आप अपने बीवी के लिए या अपने पति के लिए जो कुछ करना चाहते थे, हम चाहते हैं ये गोवा टूर जो 3 दिन का टूर होगा, हम चाहते हैं जो हजारों सपने जो आपके खो गए, जो हजारों सपने आप भूल चुके इस भाग दौड़ की जिंदगी में, आज के तारीख में दोस्त 70% पति पत्नी, हिंदुस्तान में 70% पति पत्नी एक छत के नीचे इसलिए रहते हैं क्योंकि तलाक हुआ नहीं, तलाक हुआ नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, जितना प्यार होना चाहिए उतना नहीं है। चुटकुले आते हैं पत्नियों पे, यस या नो? क्या दोस्त आप चाहते हो कि आपकी पत्नी पे भी चुटकुला आए? हेलो, एक बात बताओ, जब आपने शादी करी थी आप पत्नी को जानते नहीं थे, पति आपको नहीं जानते थे, दो मिले काहे के लिए, क्या सपने थे उस टाइम? लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में ट्रेनिंगों की कमी से, संकोच से, लोगों को अपनी घरवाली को आई लव यू बोलने में शर्म आता है। यस या नो? यस। अपनी घरवाली का हाथ पकड़ के घूमने के लिए आता है, संकोच आता है,
हम स्विट्जरलैंड चले गए कुछ आरसीएम के सीनियर लोगों के साथ, माफी चाहते हैं, बड़ा संकोच कर रहे थे। अरे शादी हुई है ना, लाइसेंस है ना, माफी चाहते हैं, इतना संकोच कर रहे थे, दूर दूर चल रहे थे कि पत्नी गुम हो गई, बाद में धड़कन बढ़ गई। हेलो, हमने कहा संकोच काहे का भाई, हाथ पकड़ रहे तेरी है ना, शर्म आती है। हेलो, हम चाहते हैं दोस्त वो आपके फालतू की शर्म निकले। हेलो, हम लोगों से डरते हैं, लोगों से संकोच करते हैं। अरे हमारे अपने भी कुछ ड्रीम है, हमारे अपने भी कुछ सपने हैं। हेलो, हम चाहते हैं कि अपना जीवन साथी अपने को दिल से स्वीकार करे, अपने बच्चे मजबूरी में नहीं बोले कि ये मेरे मम्मी पापा है, दिल से स्वीकार करे। उसके लिए दिल जवान चाहिए, उसके लिए माहौल चाहिए, उसके लिए दिल जवान चाहिए, उसके लिए माहौल चाहिए। हम उस 3 दिन में ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम 3 दिन में आपको वो माहौल देंगे जो आपको जिंदगी में चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है। हजारों वो हजारों पिछड़े हुए लोगों को छोड़ सकता है, वो हजारों लोगों के दिल में प्यार कर सकता है। हम चाहते हैं आपका जीवन साथी आप पे गर्व करे, वो ये नहीं बोल रहे कि मुझे जिंदगी में लास्ट पीस मिला है। यस या नो? हेलो, वो ये नहीं बोल रहे कि ये मजबूरी है। अरे पति पत्नी मजबूरी होता है 70% मजबूरी, कुछ मजबूरी से बाहर आना चाहते हो क्या? 3 दिन जिंदा होके वो टूर करना, देखना क्या हो सकता है। मैं इतना बता सकता हूं कम शब्दों में, आपका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है। सिखाएंगे सिखाएंगे आपकी वो भूली मिश्री सिखाएंगे, यादें वापस आ सकती है। ये चिंता मत करो, हम सिखाएंगे, हम हमारी घरवाली के साथ जाएंगे। हेलो, बात 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की बात 6,000 रुपए के लिए दोस्त, माफी चाहता हूं। हेलो, 6,000 लोग बीड़ी गुटखे में लगा देते हैं, 10,000 का हर महीने सामान यूज कर लेते हैं। आप आरसीएम नहीं करते हो तो भी 10,000 का सामान आपके घर में यूज होता है, लेकिन हम चाहते हैं आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान जिंदगी के हर सपने पूरे करे। आज मुकेश कोठारी या राधाराम साहिब, आपको क्या लगता है दोस्त, ओनली 5-10-20 लाख रुपए कमाते हैं क्या? आपको लगता है क्या? 5-10-20 लाख की बात नहीं है दोस्त, आज उनके बच्चे, आज उनका जीवन साथी उन पे गर्व करता है, क्योंकि इस आरसीएम की वजह से उन्होंने घर पे वो माहौल दिया है। हम चाहते हैं वो 3 दिन आपकी जिंदगी के ड्रीम दिन हो। आप में से बहुत से लोग शादी से पहले सपने देखते थे कि हनीमून पे जाएंगे, कहां गया हनीमून? 5-10 साल बाद कहां जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल। दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र 20 की है या 50 की है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 70 की है, मैं जानता हूं आपके भीतर जो दिल है वो 22 साल का दिल आज भी है। आपके उस 22 साल के दिल को एक मौका दे दो, वो कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। कितने लोग हैं जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस दूर में छाएंगे, वो बड़ा भूसदिल है। मैं जानता हूं दोस्त, आपके सीट पे जो इंसान बैठा है उसमें ताकत बहुत है, लेकिन वो बहुत भूसदिल भी है।
अभी आपका जो दोस्त था ना, वो आपका नहीं था, जयनारायण का था। वो जयनारायण का दोस्त था, आपका नहीं था। मैं चाहता हूं वो दोस्त आपका हो, आपका हो। हेलो, उस टूर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए दोस्त। मुझे लगता है उस टूर में जाना चाहिए। यस, तीसरा टारगेट ट्रेनिंग। मैं आरसीएम से 16 साल से हूं दोस्त। 16 सालों में हजारों ट्रेनिंग अटेंड करी है। यस, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, हमने पीछे एक ट्रेनिंग कराई राजेश टैगोर की, टिकट था 1000 रुपए। और ट्रेनिंगों में टिकट कुछ नहीं होता दोस्त, ट्रेनिंगों में टिकट कुछ नहीं होता। जिसको ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं पता वो टिकट के पैसे देखता है, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता। जिसको ट्रेनिंग की वैल्यू पता है वो ट्रेनिंग की क्वालिटी देखता है, ना कि पैसे। यस, बात 300 या 1000 की नहीं है। यस, कल जो ट्रेनिंग हुई वो मात्र ट्रेलर था, क्योंकि हमने बहुत से ट्रेनरों की ट्रेनिंग सुनी है। हम चेक करना चाह रहे थे कि आरसीएम के लीडर की ट्रेनिंग कैसी हो सकती है। मुझे नहीं पता आपको क्या दिखा, मुझे लगता है आरसीएम का मुकेश कोठारी, सच बता रहा हूं एकदम 100% नाभी से, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के किसी भी ट्रेनर पे भारी पड़ सकता है। यस, और कल मात्र ट्रेलर था, कल की ट्रेनिंग की तैयारी मुकेश कोठारी ने मात्र 2 घंटे में की थी। 2 घंटे हम उनके साथ बैठे थे, उन्होंने टॉपिक नोट कर रखे थे, मेरे से पूछा भाई ये टॉपिक बताओ आपकी टीम के लिए, हमने कहा ओके। यानी 2 घंटे लगाए थे मुकेश कोठारी ने उस ट्रेनिंग को तैयार करने के लिए। यस, लेकिन दोस्त हम चाहते हैं मुकेश कोठारी महीने 2 महीने लगा के सैकड़ों डायरियां भर के एक ऐसी ट्रेनिंग तैयार करे। हम दिखाना चाहते हैं कि मुकेश कोठारी की ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या आ सकता है। हम ऐसी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं जो आरसीएम के इतिहास में ना हुई, ना किसी ने सुनी। इस प्रकार की ट्रेनिंग जो मुकेश कोठारी सैकड़ों डायरियां भर के तैयार करे और उसका जो निचोड़ निकले वो 8 घंटे में आपके सामने परोस दे, एक एक आदमी को दिखा दे कि तेरी बॉल्टिंग कहां अटकी है, तेरा टेक्निकल कहां अटका है, तेरी कामयाबी कहां अटकी है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम ऐसी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं जो आपके भीतर की नाकामयाबी को स्क्रीन पर दिखाएगा कि आपकी कामयाबी यहां रुकी हुई है, ये गलती कर रहा है, ये करने से आपकी ये कामयाबी आ सकती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग में जाना चाहिए क्या? Yes! जाना चाहिए क्या? Yes! दोस्त, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ट्रेनिंग पे आ जाओ। आप चेक करो, एक साधारण आदमी एक आदमी से नहीं लड़ सकता, लेकिन एक लड़का 13 महीनों की कमांडो की ट्रेनिंग लेके आम 20-50 लड़कों पे भारी पड़ जाता है। यानी ट्रेनिंग से 20 गुना ताकत भी आ सकती है। हम वो ताकत आपके भीतर देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर डायमंड नहीं होता, डबल डायमंड नहीं होता, वाइटर नहीं आता, टारगेट छूट गया, दर्द होता है इधर। हम चाहते हैं आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान बड़ी से बड़ा टारगेट ले और उसको पूरा करे। हेलो, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, हाई क्लास ट्रेनिंग चाहिए, फुल डे की ट्रेनिंग चाहिए, टाई लगाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए दोस्त, टॉयलेट जाके हाथ धोने में भी ट्रेनिंग चाहिए। हम चाहते हैं आपके सीट पे बैठा हुआ इंसान एक दिन राजाराम सांड बने, एक दिन मुकेश कोठारी बने, एक दिन महावीर सांड बने। उसको ट्रेनिंग चाहिए नहीं चाहिए? Yes! चाहिए नहीं चाहिए? Yes! दोस्त, हम चाहते हैं दोस्त उस ट्रेनिंग में
सैकड़ों लोग नहीं हो, हजारों लोग हो, और वो आरसीएम सिस्टम को बताए कि एक छोटी सी टीम जो आरसीएम बिजनेस का, माफी चाहता हूं, मुझे लगता है 30वां हिस्सा, यस, आरसीएम बिजनेस का मैं 30वां हिस्सा हूं, यस, मैं चाहता हूं वो ट्रेनिंग ये बताए कि आरसीएम बिजनेस का 30वां हिस्सा भी आरसीएम से बड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस टीम के सैनिक, उस टीम के कमांडो, उस टीम के टाइगर आप हो। चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? दोस्त, मैं तो सीधा मानता हूं, या तो कोई टारगेट ले ओ नहीं, जियो चिल्लट की जिंदगी, जियो 5-10 हजार की जिंदगी, या तो टारगेट ले ओ नहीं, ये पेटी पटिया छोड़ के घर बैठो। क्या जरूरत है टाई लगाने की, सांस ही नहीं आता। क्या जरूरत है इतने टाइट कपड़े पहनने की, जियो 5-10 हजार की जिंदगी। और दोस्त, अगर टारगेट ले लिया, टारगेट ले लिया, तो बस कोई मां की कोख से जन्मा हुआ आपसे कैसे आगे निकल सकता है? यस या नो? यस या नो? अरे कोई टारगेट ले लिया और दूसरे आगे निकल जाए, इसका मतलब मुश्किल है, कमजोर है हम, और हम कमजोर नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है क्या? कमजोर है क्या? इन तीनों टारगेट पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग मानते करने चाहिए? पक्का? आज तारीख 9, मेरी टीम में सबसे सीनियर हूं मैं, 1 अप्रैल को घर जाऊंगा। कितने हो? 1 अप्रैल, ये मेरा शेड्यूल होगा। मैं इस टारगेट के लिए अगले 1.5 महीने हर पल इस टारगेट के लिए इस शरीर का कतरा कतरा लगाऊंगा। लेकिन आपका टारगेट चाहिए, आपकी वो ताकत चाहिए। तैयार है क्या? तैयार है क्या? घर नहीं जाऊंगा इसका मतलब वो नहीं है कि घर जाएगा नहीं। बिगड़ गई क्या इसकी? बिगड़ी नहीं है, बिगड़ी नहीं है भाई, जिंदगी में कुछ करना चाहता। यस, मैं वो पति नहीं बनना चाहता कि करवा चौथ पे पत्नी भूखी रहे। हेलो, और करवा चौथ को तो बोले पति परमेश्वर, और हरी सब्जी लाने पड़ जाए तो लगे कि लास्ट पीस मिला है। हेलो, या तो वो पति परमेश्वर बोले नहीं, फिर या फिर वो पति परमेश्वर माने, उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। हेलो, करना चाहते हो क्या? करना चाहते हो? रात पूरी है अपनी टीम के साथ प्लानिंग करना, कल बताएंगे हम कैसे टारगेट पूरे होंगे। यस, अब बोल आपके पाले में है। हम चाहते हैं अगले 1.5 महीने में वो ताकत लगे जो पिछले 16 साल में नहीं लगी हो। यस, बात कितनी भी लंबी हो सकती है, समझने वाले समझ गए होंगे शायद। हम आपके सीट पे बैठे हुए इंसान को पिन पे देखना चाहते हैं। तैयार है ना? तैयार है ना? आगे के पार्ट को